नमस्कार। जिस दलित दूल्हे को कभी जातिवादियों द्वारा घोड़े पर नहीं बैठने दिया जा रहा था, या यूं कहें कि उसकी बारात रोकने की कोशिश की गई थी, आज आपको बता दें कि वही दलित दूल्हा IAS ऑफिसर बन गया। आपको बता दें कि कल जो UPSC के फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें आपको बता दें कि राजस्थान के सुनील धनवंता ने 22वीं रैंक हासिल की है। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले उनकी शादी हुई थी, और आपको बता दें कि जब वो IPS के पद पर थे, आपको बता दें कि तब उनकी बारात को रोकने की जातिवादी लोगों ने कोशिश की थी। आपको बता दें कि बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने अपनी बारात निकाली थी, वो भी आपको बता दें कि पूरी पुलिस फोर्स के साथ में। आपको बता दें कि उन्होंने उस गाँव में अपनी बारात निकाली थी। आपको बता दें कि उस गाँव के जो जातिवादी लोग थे, आपको बता दें कि उनके द्वारा जो सुनील धनवंता हैं, उनकी बारात को रोका जा रहा था, एवं जो उनको घोड़े पर नहीं बैठने दिया जा रहा था। तो आपको बता दें कि उन्होंने इस तरीके से उन्हें जवाब दिया कि आज वो IAS ऑफिसर बन गए, कलेक्टर आपको बता दें कि अब वो बन चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब उनकी उस गाँव में क्या हैसियत रही होगी, अब वो लोग क्या सोचेंगे सुनील धनवंता के बारे में, जो कभी आपको बता दें कि उन्हें घोड़े पर नहीं बैठने दिया जा रहा था। तो आपको बता दें कि शिक्षा, जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा श्रेणी का वह दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक।